बच्चों, मैं डॉक्टर विद्यनाथ मिश्र आप लोगों के सामने हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी में कक्षा दसम में दो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, क्षितिज और कृतिका। बच्चों, जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि क्षितिज शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन प्रतीत हो, उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। और कृतिका एक नक्षत्र विशेष है। क्षितिज गद्य पद्य संग्रह है, उसमें कहानी भी है, निबंध भी है और कविताएं भी हैं, जबकि कृतिका सिर्फ गद्य है। तो क्षितिज का दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचना, हाँ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो बच्चों, सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास का परिचय पढ़ें, परिचय जानें, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि, सबसे महान कवि, सबसे प्रतिष्ठित कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास जैसे अशेष सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली कवि किसी जाति तथा देश के इतिहास में कभी कभी अवतरित होते हैं। इसीलिए नाभादास ने इन्हें मध्यकाल का वाल्मीकि कहा है। विसेंट स्मिथ ने रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल की संज्ञा दी है। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ ने तुलसीदास को अन्य उपमानों से अलंकृत किया है। तो यह तुलसीदास की विशेषता है। तुलसीदास पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कविता स्मरणीय कविता है, चार पंक्तियां सुने आप। था भक्त सुधारक था कवि था, ज्ञानी था परहितकारी था, माता हिंदी के मंदिर का वह एक अनन्य पुजारी था। मृदु मानस का सर्वत्र सुलभ अक्षय प्रवाह वह बहा गया, कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया, कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया। जैसे तुलसी के पत्ते का महत्व है, बिरवा का महत्व है, कोई ऐसा हिंदू घर नहीं है जहां तुलसी का बिरवा ना हो। वह गांव में रहता हो, कस्बे में रहता हो, पटना में रहता हो, या दिल्ली या मुंबई जैसे महानगर में रहता हो, अपार्टमेंट की संस्कृति हो, वे जरूर तुलसी के बिरवे को रखते हैं। अभी भी तुमको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके परिवार में चाय पीने वालों की संख्या नगण्य है, लेकिन ऐसा घर तुम्हें नहीं मिलेगा जहां पर तुलसीदास तुलसी का बिरबा न हो, जहां पर तुलसी का पौधा न हो, जहां पर तुलसी के पत्ते को सम्मान न किया जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कागज के पन्नों को तुलसी के दल की तरह, तुलसी के पत्ते की तरह महत्वपूर्ण बना दिया। यह भी आप जान लें कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में एक यदि धार्मिक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ को यदि आदर सम्मान है, क्योंकि जब धार्मिक ग्रंथ की बात होती है तो हम संस्कृत की ओर जाते हैं, हम रामायण की बात करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता की बात करते हैं, लेकिन बच्चों, हिंदी साहित्य का एकमात्र धार्मिक ग्रंथ वह है रामचरितमानस, जिसे आदमी बड़ी श्रद्धा से पूजा करता है, आरती करता है, आरती की जय रामायण जी की, यह विशेषता है। और उस रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसीदास का परिचय, तुलसीदास के जन्म के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश, कुछ लोग कहते हैं राजापुर, कुछ लोग कहते हैं सोरो। खैर, तुलसीदास जैसे प्रतिभावान और सामर्थ्यवान कवि को किसी जाति और धर्म से, किसी क्षेत्र से जोड़ना थोड़ा आसान काम नहीं है, न उचित काम है, क्योंकि कवि जो होते हैं वे किसी देश के नहीं होते, वे किसी जाति के नहीं होते। यह बात होती तो आज शेक्सपियर का जितना सम्मान इंग्लैंड में है, उससे कम सम्मान भारत में नहीं है। मैक्सिम गोर्की का जितना सम्मान रूस में है, जान पाल सार्त्र का जितना सम्मान फ्रांस में है, उससे कम भारत में नहीं है। तो कवि होते हैं वे जाति से,
क्षेत्र से पड़े होते हैं, उनकी चर्चा अनंत काल तक रहती है। कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात सूरज की किरण से भी कवि की पहुंच आगे की होती है, दूर तलक होती है। तो खैर, तुलसीदास का जन्म कहा जाता है कि राजापुर में हुआ था, कुछ लोग सोरो कहते हैं। कहा जाता है कि बचपन में तुलसीदास का जीवन बड़ा अभाव में बीता, जन्म लेते ही माँ का देहांत हो गया। तब पिता ने, यह भी जानो कि तुलसीदास के माता पिता का नाम था, माँ की नाम थी, पिता का नाम था आत्मा राम दुबे और माँ का नाम था हुलसी देवी। माँ का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्मा राम दुबे। और वहाँ पर उनका पालन पोषण किसने किया, तो एक चुनिया नाम की दासी ने गोस्वामी तुलसीदास का पालन पोषण किया, क्योंकि तुलसीदास का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ था उसे अमंगल माना गया, इसलिए पिता ने भी घर से निकाल दिया। तो चुनिया नाम की एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। तुलसीदास ने कवितावली में बड़े दुख के साथ लिखा है, मातु पिता जग जाय तज्यो विधिहीन लिखै कछु भाल भलाई, कि माता पिता ने तो परित्याग कर ही दिया, विधाता ने भी कुछ मेरे भाग्य में अच्छा नहीं लिखा। यह तुलसीदास की बात रही। खैर, लेकिन तुलसीदास जब थोड़ा बड़े हुए तो उनके गुरु थे बाबा नरहरिदास। बाबा नरहरिदास से तुलसीदास ने विधिवत कह सकते हो शास्त्र चर्चा सुनी, शिक्षा ग्रहण की, वेद पुराण का अध्ययन किया। और जब वे बड़े हुए तो फिर वहाँ से लौट कर वे अपने घर आए, उनका विवाह हुआ रत्नावली से। लेकिन कहा जाता है कि निराला ने जैसे कहा है सरोजा स्मृति में कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तुलसीदास का जीवन भी दुखमय ही रहा। रत्नावली से विवाह के कुछ दिनों के बाद कहा जाता है कि तुलसीदास कहीं गए थे, उसी समय में उनके साले साहब आए और उनकी पत्नी, तुलसीदास की पत्नी मने साले साहब अपनी बहन को लेकर अपने यहाँ चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जब आए घर लौटे बड़े उदास मन से, पत्नी की खोज में पत्नी के यहाँ रातों रात चल पड़े। बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ छिटक रही हैं, वर्षा हो रही है, भयाक्रांत वातावरण है। ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास निकल पड़े, ससुराल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उफनती नदी, नाविक को आवाज दी गई, नाविक ने आवाज पर ध्यान नहीं दिया। गोस्वामी तुलसीदास एक शव के सहारे नदी को पार किए। नदी को पार कर वे जब गए ससुराल, गए अपने घर में, गए दरवाजा खटखटाए, पत्नी ने दरवाजा को नहीं खोला, तो कहा जाता है खिड़की के सहारे, खिड़की के पास एक रस्सी लटकी हुई थी, तुलसीदास उसको पकड़ कर घर में प्रवेश किए। लेकिन सचमुच वह रस्सी नहीं थी, वह सांप था। लेकिन कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, जो कामी व्यक्ति होता है, प्रेमी व्यक्ति होता है, उसको न भय होता है न उसको लज्जा लगती है। तो तुलसीदास वहां पर निकल पड़े, घर गए, लेकिन पत्नी की डांट पड़ी, पत्नी की बहुत ज्यादा डांट पड़ी। पत्नी ने कहा कि लाज न लागत आपको दौरे आय साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति, हो तो जो श्री राम महा होत न तो भव भीति। कह स्वामी, आपको लज्जा नहीं आई कि आप दौरे चले आए, यदि ऐसा प्रेम राम के साथ होता तो सांसारिक विघ्न बाधा से आप मुक्त हो गए होते। पत्नी की वह बात तुलसीदास के लिए, अमृत का काम किया। वही तो, वहीं से तुलसीदास का रास्ता निकलता है। उसी समय में घर छोड़कर आ गए, फिर अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, बनारस, अयोध्या आते रहे, घूमते रहे, जाते रहे और फिर काव्य में रम गए। और काव्य में रम गए तो फिर एक एक पन्ना तुलसी के पत्तों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यह तुलसीदास का परिचय है। बच्चों, परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन अल्पश्च कालो बहु विघ्नता च, समय कम है, समस्याएँ अनेक हैं। खैर, थोड़ा सा समय मैं अभी और लूँगा।
कि तुलसीदास की रचनाओं के बारे में कुछ लोग 30 कहते हैं, 32 कहते हैं, लेकिन मिर्जापुर के प्रसिद्ध रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, रामलला नहचू, बड़वई रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। तुलसीदास जी का आधार है रामचरितमानस, और उसी रामचरितमानस के बाल कांड से आपका यह पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। बच्चों, इसे अन्य क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।